नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, जिसका दूसरा मैच आज कोलकाता में ईडन गार्डन में खेला गया। दोस्तों ये मैच कई मायनों में ऐतिहासिक हो गया है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में पहली बार भारत ने पिंक बॉल से खेला। दूसरा ये कि ये पहला भारत का डे नाइट टेस्ट मैच भी था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इस मैच के स्टार्ट होते ही भारत ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि पिंक बॉल टेस्ट बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन उनका ये फैसला सही साबित नहीं हुआ और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया और जल्द ही टॉप और मिडिल ऑर्डर ध्वस्त कर दिया, जिसमें उमेश यादव, ईशान शर्मा और मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश ने घुटने ही टेक दिए। तो वहीं ईशान शर्मा ने 12 साल बाद अपने कैरियर में 5 विकेट वो भी पिंक बॉल से लेने में सफलता हासिल करी। दोस्तों जहां बॉलरों ने अपना कमाल दिखाया, वहीं क्या हमारा रोहित किसी से पीछे रहने वाला था? तो दोस्तों रोहित का कमाल का कैच कैसा था ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप भी रोहित के फैन हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा रोहित और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो दोस्तों आपको बताएं कि मैच में रोहित शर्मा ने भी कमाल कर दिखाया। उन्होंने हवा में उड़कर शानदार कैच पकड़ा, जिसको देखकर कप्तान कोहली भी हैरान रह गए। जी हाँ, पहला विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक बल्लेबाजी करने उतरे थे। उमेश यादव की गेंद पर उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल एज लेकर स्लिप पर चली गई। विराट कोहली कैच लेने के लिए तैयार हो पाते उससे पहले ही रोहित शर्मा ने हवा में उड़कर एक हाथ से कैच लपक लिया। जी हाँ दोस्तों, इस कैच के बाद रोहित शर्मा के पास सारी टीम पहुंची और साथ ही साथ विराट कोहली ने भी उनको बहुत ही बधाइयां दी। तो दोस्तों यदि आप भी रोहित शर्मा के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।